आज देश भर में रोड्स, मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट सब काफी तेजी से डेवलप हो रहे हैं और आज सब लोग इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की काफी ज्यादा बात भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हो एक और ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें भी इंडिया टॉप में आता है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसे हम देख कर भी इग्नोर कर देते हैं और जिसके बारे में कोई ज्यादा बात भी नहीं करता। जितने भी आज हमारे देश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सब की बैकबोन है ये अकेला प्रोजेक्ट, क्योंकि इस अकेले एक प्रोजेक्ट के बिना कोई भी सिस्टम चल नहीं सकता। इस प्रोजेक्ट के बिना मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिफेंस सेक्टर तक सब कुछ बंद पड़ सकता है। आज इंडिया के पास दुनिया में सेकंड लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क है जो कि चाइना से भी ज्यादा लंबा है। मेट्रो नेटवर्क में भी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है जो बहुत जल्द सेकंड लार्जेस्ट बनने वाला है। साथ ही इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इन सब के अलावा भी इंडिया एक ऐसे प्रोजेक्ट में टॉप करता है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारे इंडिया को पावर देता है वो है हमारा मैसिव पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। आपको ये समझना होगा कि पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी भी कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आज इंडिया के पास चाइना और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा पावर ग्रिड सिस्टम है। इन सिंपल लैंग्वेज ये हमारे देश की इलेक्ट्रिसिटी की नसें है। एज यू नो कि पावर ग्रिड सिर्फ लाइट्स या फैन के लिए नहीं होती, ये हर एक इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एयरपोर्ट, फैक्ट्री, डेटा सेंटर, मेट्रो, रेलवे, डिफेंस बेस एंड साथ ही डिजिटल नेटवर्क की भी लाइफलाइन होती है। विदाउट ए प्रॉपर पावर ग्रिड इंडिया में इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन सब कुछ रुक जाएगा। देखिए आज अगर 1% आपके पास रोड्स, मेट्रो, एयरपोर्ट ना हो तो भी चलेगा, लेकिन बिना लाइट्स के एक दिन भी रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में इंडिया को लगभग 81 बिलियन डॉलर से ज्यादा की एफडीआई मिली है, क्योंकि इंडिया के पास सिर्फ रोड्स और एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो किसी भी फॉरेन कंपनी को इन्वेस्ट करने में काफी ज्यादा सिक्योरिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रिसेंट पावर कट्स की वजह से कई कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, लेकिन इंडिया में वन नेशनल ग्रिड प्रोग्राम के बाद जो ये प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। एंड आज जब आप अपने घर में एक स्विच ऑन करते हो ना तो उसके पीछे होता है ये मैसिव पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाखों लोगों की रोज की मेहनत। ये जो पूरा पावर ग्रिड है वो टिका होता है स्ट्रॉन्ग स्टील के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसमिशन टावर्स एंड मोनोपोल्स। आज की वीडियो में हम इसी इंडिया की बैकबोन के बारे में डिटेल में जानेंगे कैसे ये प्रोजेक्ट काम करता है और कैसे ये मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की इकोनॉमी को पुश कर रहा है। एंड साथ ही बात करेंगे आने वाले 100 बिलियन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान की जो भारत की एनर्जी फ्यूचर को पूरी तरह बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि पावर ग्रिड क्या होता है। देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर मैं बताऊं तो पावर ग्रिड एक बड़ा सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है, यानी जहां बिजली बनती है उसको बोलते हैं पावर प्लांट्स। वहां से लेकर जहां बिजली यूज होती है घर में, फैक्ट्रीज में, सिटीज में, उन सबको जोड़ने वाला नेटवर्क ही पावर ग्रिड कहलाता है। पावर ग्रिड के तीन मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है पावर स्टेशंस, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, जनरेट किया जाता है। इंडिया में मोस्टली 3-4 टाइप के पावर प्लांट्स होते हैं जैसे थर्मल, हाइड्रो एंड सोलर। सेकंड होती है ट्रांसमिशन लाइंस, जहां से बिजली को डोर टू डोर पहुंचाया जाता है बड़े टावर्स और मोनोपोल्स के जरिए। थर्ड नंबर पे आते हैं सबस्टेशंस, जहां वोल्टेज कंट्रोल किया जाता है ताकि बिजली सेफ रहे। आज ये पूरा सिस्टम चलता है वन नेशन वन ग्रिड पर। पहले इंडिया में वन नेशन वन ग्रिड नहीं था, 2013 में ही इंडिया ने यूनिफाइड ग्रिड अचीव किया जो सिंगल फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश को साथ में ऑपरेट करता है। आज राजस्थान में अगर सोलर प्लांट बने तो वहां की बिजली दिल्ली, मुंबई या बिहार तक भेजी जा सकती है। पहले एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं था। तब इंडिया के पास 5 रीजनल ग्रिड होती थी। पहली थी नॉर्थर्न, सेकंड साउथर्न, थर्ड ईस्टर्न, फोर्थ वेस्टर्न एंड फिफ्थ नॉर्थ ईस्टर्न। एंड इन पांचों अलग अलग ग्रिड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती थी और लिमिटेड कनेक्टिविटी थी आपस में। लेकिन आज इंडिया के पास दुनिया की लार्जेस्ट यूनिफाइड पावर ग्रिड है जो पूरे देश को एक ही फ्रीक्वेंसी पर चलाती है और इसी को बोलते हैं वन नेशन वन ग्रिड एंड वन फ्रीक्वेंसी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अब तक 4.9 लाख सर्किट किलोमीटर से ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन बिछा दी है, 2700 से ज्यादा सबस्टेशन बना दिए हैं और 13 लाख मेगावोल्ट एम्पेयर से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी के साथ ये नेटवर्क हर गांव, इंडस्ट्रीज और सिटी तक बिजली पहुंचा रहा है। भारत अब सिर्फ ट्रांसमिशन नहीं बना रहा, वो अब स्मार्ट ट्रांसमिशन एरा में एंटर हो चुका है। इंडिया में अब 765 किलोवाट अल्ट्रा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही है, प्लस माइनस 800 किलोवाट एचवीडीसी कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं। एंड अब तो इंडिया के अंदर एआई कंट्रोल
वर्ल्ड स्मार्ट ग्रिड सिस्टम तैयार हो रहा है, जो किसी भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट के केस में बिना डिले करे पावर को ऑटोमेटिकली दूसरे रूट से सप्लाई कर सकता है। साथ ही आज एशिया की सबसे बड़ी HVDC लाइन भी इंडिया के अंदर है, जो है नॉर्थ ईस्टर्न आगरा HVDC लाइन, जो कि 1700 किलोमीटर लॉन्ग है और ये 6000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करती है। इंडिया में अब पुराने लैटिस टावर की जगह पर मॉडर्न स्टील मोनोपोल्स लगाए जा रहे हैं, जो जगह कम लेते हैं और देखने में भी थोड़े मॉडर्न लगते हैं और सिटीज के लिए एकदम ये परफेक्ट होते हैं। आज दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और गुड़गांव जैसे सिटीज में ये मोनोपोल स्काई लाइन का हिस्सा बन गए हैं। साथ ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए रियल टाइम SCADA मॉनिटरिंग, डायनामिक लाइन रेटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी बैलेंसिंग और AI बेस्ड फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम, ये सब मिलकर इंडिया के पावर ग्रिड को 21 सेंचुरी के ग्लोबल लेवल पर ले जा रहे हैं। अब जानते हैं गवर्नमेंट के 100 बिलियन पावर ग्रिड रिवॉल्यूशन के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन मिलकर 2032 तक 9.15 लाख करोड़, यानी कि लगभग 107 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका क्लियर गोल है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को डायरेक्टली नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करना। राजस्थान के सोलर डेजर्ट से लेकर तमिलनाडु के कोस्टल विंड्स तक इंडिया एक क्लीन एनर्जी सोर्स को एक ही इंटीग्रेटेड नेटवर्क में जोड़ना आता है। ये एक फ्यूचर प्रूफिंग रेवोल्यूशन है। अब इंडिया का पावर ग्रिड सिर्फ कोयल पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, बल्कि सनलाइट और विंड एनर्जी से भी चलेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का एक क्लियर विजन है कि 2050 तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोयले का यूज या तो बिल्कुल खत्म कर देना या फिर मिनिमम लेवल पर ले जाना। और इस गोल को अचीव करने के लिए देश भर में कई नए प्रोजेक्ट्स और ट्रांसमिशन लाइन्स बनाई जा रही है, जैसे कि खावड़ा बनासकंडा HVDC लाइन, जो लगभग 1200 किलोमीटर लॉन्ग है और जिसे 24,819 करोड़ की से डेवलप किया जा रहा है। ये लाइन यहाँ जनरेट होने वाली ग्रीन पावर को गुजरात से पूरे भारत तक पहुँचाने का काम करेगी, क्योंकि आज इंडिया के पास एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है। चाहे फिर बात हिमालयन रीजन की क्यों ना हो, वहाँ पर भी 85 मीटर तक ऊंचे स्टील टावर्स खड़े हैं। एंड फ्रेंड्स, जो भारत का पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर बिजली लाइन्स की कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ की कंडीशंस इजी नहीं होती, यहाँ पे तूफान, हैवी स्नोफॉल, लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक का रिस्क है, इसलिए ट्रांसमिशन टावर की हाइट नॉर्मली 30-40 मीटर से काफी ज्यादा होती है। एंड कुछ कॉरिडोर्स में तो ये हाइट ऑलमोस्ट 100 मीटर तक पहुंच जाती है, ताकि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी बिजली सेफली हर कोने तक पहुंच सके। ये बड़े बड़े जो स्टील टावर्स है, वो काफी टफ एनवायरनमेंट में भी खड़े रहते हैं, और यही इंजीनियरिंग मार्वल है जो भारत के ग्रिड को एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। और मेरी नजर में एक्चुअल में यही है भारत का ट्रू इंजीनियरिंग मार्वल। और इन सब के पीछे खड़े हैं हजारों इंडियन इंजीनियर्स और बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे कि उत्कर्ष इंडिया, जो स्टील टावर्स और इन मोनोपोल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और इस इनविजिबल ग्रिड की स्टील बैकबोन तैयार कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि काफी लोग नहीं जानते थे कि इंडिया के ग्रोथ के पीछे इतना बड़ा पावर बैकबोन काम कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही काफी लोग ये भी नहीं जानते कि ये बड़े बड़े स्टील टावर्स, ट्रांसमिशन लाइन्स और मैसिव इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर आखिर बनते कहाँ है और ये कैसे बनते हैं। एंड ये जानना हमारे लिए आज ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उत्कर्ष इंडिया जैसे बड़े ब्रांड्स आज इंडिया के इस सेक्टर के मेजर प्लेयर बन चुके हैं। उत्कर्ष इंडिया एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है, और यहीं पर काफी लोगों का ये बड़ा डाउट भी क्लियर होने वाला है कि कोलकाता की GDP इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी आज कैसे देश की टॉप GDPs में शामिल है। लेकिन इस चीज को समझने के लिए आपको इस वीडियो का ये वाला सेक्शन बड़े ध्यान से देखना होगा। देखिए, जब भी हैवी मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, तो ईस्टर्न इंडिया आज भी बाकी देश के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाता आया है। देखिए, 40 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस लेके उत्कर्ष इंडिया ने अपनी इंजीनियरिंग प्रीसियस के दम पर पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में एक इंडस्ट्री बेंचमार्क सेट किया है। कंपनी के ट्रांसमिशन टावर स्ट्रक्चर रेंज 33 किलोवाट से लेकर 765 किलोवाट तक जाते हैं, जिसमें सिंगल सर्किट, डबल सर्किट और मल्टी सर्किट टावर हर टेरेन और हर कंडीशन के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। और ये वही स्टील स्ट्रक्चर्स है जो भारत के हर कोने तक बिजली पहुंचाने का काम करते हैं, चाहे वो थार डेजर्ट हो या फिर हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ और गहरी घाटियां हो। एंड इसीलिए पिछले कुछ सालों में कोलकाता बेस्ड ये कंपनी रिमार्केबल ग्रोथ रिकॉर्ड कर पाई है। इस सिक्वेंस में 765 किलोवाट मेरता डोसा ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी कंपनी को 20,000 मैट्रिक टन का ऑर्डर मिला है। इससे पहले भी फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में 765 किलोवाट खावड़ा भुज ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट में कंपनी ने 17,500 मैट्रिक टन का एक बड़ा मैसिव ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर किया था। जो पूरी लाइन है, ये देश के लिए इसलिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी को नेशनल ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करने में मदद करती है और इंडिया के नेट जीरो गोल को सपोर्ट करती है। इसके अलावा कंपनी ने और भी काफी सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर सिक्योर किए हैं। ऐसे राजस्थान के
प्रोजेक्ट के लिए 5,750 मैट्रिक टन। अगर देखा जाए तो देश की लगभग हर बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिए उत्कर्ष इंडिया ने स्टील टावर और स्ट्रक्चर सप्लाई किया है। एंड ये कोई नॉर्मल टावर सप्लाई नहीं होती, ये हाई वोल्टेज क्रिटिकल ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट होते हैं। चलिए अब मैं आपको एक बार प्रोजेक्ट वाइज ब्रेकडाउन शॉर्ट एंड क्लियर तरीके से बताता हूँ इस कंपनी की अपॉर्चुनिटी के बारे में। सबसे पहला प्रोजेक्ट है TL03। ये प्रोजेक्ट राजस्थान के 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जोन फेज 2 का हिस्सा है। इस पैकेज के अंडर दो मेजर LILO कनेक्शन के लिए टावर स्ट्रक्चर उत्कर्ष इंडिया ने ही सप्लाई किए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये LILO क्या होता है। देखिए, LILO का मतलब होता है लूप इन लूप आउट। सिंपल वर्ड्स में, एक एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन लाइन को बीच में कट करके एक नए सबस्टेशन या नए कनेक्शन पॉइंट ऐड कर दिया जाता है। इससे पावर को एक एक्स्ट्रा रूट मिल जाता है बिना पुरानी लाइन को डिस्टर्ब किए। ये इंडिया के ग्रिड को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे एफिशिएंट तरीका होता है और एग्जैक्टली यही काम उत्कर्ष इंडिया ने यहां किया भी है। इसके अलावा जयपुर से ग्वालियर तक 765 किलोवाट की जो डबल सर्किट लाइन है, वहां पर भी दोसा लोकेशन पर कंपनी ने लूप इन लूप आउट कनेक्शन ऐड किए हैं। एंड साथ ही आगरा जयपुर की 400 किलोवाट की डबल सर्किट लाइन में भी दोसा पर लूप इन लूप आउट जो कनेक्शन है वो बनाया गया है। एंड इन दोनों ही लूप इन लूप आउट सिस्टम के लिए कंपनी ने 5,750 मैट्रिक टन स्टील टावर स्ट्रक्चर सप्लाई किए हैं, जो काफी ज्यादा ह्यूज स्केल का सिविल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट होता है। नेक्स्ट है 400 किलोमीटर तिराड़ा ट्रांसमिशन लाइन। ये डेडिकेटेड 400 किलोवाट की हाई कैपेसिटी लाइन है। इसके लिए उत्कर्ष इंडिया ने 2,800 मैट्रिक टन टावर सप्लाई किए हैं। इस तरह की जो लाइन्स होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन और इंडस्ट्रियल पावर डिमांड के लिए क्रिटिकल होती है। नेक्स्ट है 765 किलोवाट कुरनूल 3 महेश्वरम PGCIL। ये प्रोजेक्ट एक अल्ट्रा हाई वोल्टेज डबल सर्किट लाइन है जो साउथ इंडिया के ग्रिड बैलेंसिंग में एक मेजर रोल प्ले करती है। एंड इसके लिए भी 2,380 मैट्रिक टन सप्लाई प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है JUSNL 400 किलोवाट का पतरा टू कोडरमा लाइन, जो झारखंड की एक ट्रांसमिशन लाइन है। कंपनी ने यहाँ 5,016 मैट्रिक टन टावर स्ट्रक्चर डिलीवर किए हैं, जो रीजनल ग्रिड स्ट्रेंथन के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट था। और ये तो सिर्फ मैं इंडिया के टॉप पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये भारत की एनर्जी बैकबोन का माइलस्टोन है। और इसके पीछे है उत्कर्ष इंडिया की प्रीसियस इंजीनियरिंग और उन लोगों का हार्ड वर्क जो हर टावर को देश के लिए एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ बनाते हैं। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हुए कंपनी टावर स्ट्रक्चर के लिए 8,000 मैट्रिक टन पर मंथ का एक्सपेंशन कर रही है, जिससे ओवरऑल फैब्रिकेशन कैपेसिटी 40,000 मैट्रिक टन पर मंथ हो जाएगी, ताकि भारत के ग्रिड एक्सपेंशन को एक नए स्केल पर सपोर्ट किया जा सके। और कंपनी के इनोवेशन की बात करें तो आप जानकर हैरान हो जाओगे कि उत्कर्ष इंडिया रेलवे के लिए कवच सिग्नलिंग टावर भी डेवलप कर रही है, जो इंडियन रेलवे के सेफ्टी मिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। इतना ही नहीं, टेलीकॉम सेक्टर में भी उत्कर्ष इंडिया ने कमाल दिखाया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में BSNL 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के लिए 1800 टावर्स पर ईयर का रिकॉर्ड सप्लाई करके टॉप ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के रूप में अपनी पोजीशन और भी ज्यादा मजबूत की है। कंपनी अब तक जियो और एयरटेल के लिए लगभग 10,000 टावर डिलीवर कर चुकी है। सिंगल पोल लाइटवेट स्ट्रक्चर से लेकर मल्टी लैग हैवी ड्यूटी टेलीकॉम टावर्स तक ये बना रही है। इवन आज आप जो हमारी मेट्रो सिटीज में मोनोपोल्स देखते हो, उनको भी कंपनी लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर कर रही है, जिनको देश भर में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए सप्लाई किया जा रहा है। और ये सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको उन इंडस्ट्रीज के बारे में पता चले जो हमारे देश के लिए हिडन बैकबोन का काम करती है। उत्कर्ष इंडिया जैसी बड़ी कंपनी आज सिर्फ इंडिया के पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में ही कंट्रीब्यूट नहीं करती, बल्कि वेस्ट बंगाल और कोलकाता में जॉब क्रिएशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी बड़ा रोल प्ले करती है। जैसा कि आप लोग काफी बार मुझसे पूछते हो कि कोलकाता में जो है वो आईटी सेक्टर ग्रोथ बेंगलुरु, हैदराबाद, NCR के कंपैरिजन में स्लो है, फिर भी ये सिटी इंडिया के टॉप रिचेस्ट सिटी में कैसे है? तो इसका जवाब सिंपल है, कोलकाता में आज भी ऐसी हैवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रीज के लिए एक बैकबोन की तरह काम करती है। एंड ये कंपनी ही कोलकाता जैसे ईस्टर्न इंडियन सिटीज में जॉब और इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करती है। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखिए, आज इंडिया जिस तरह तेजी से अपने पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर रहा है, उसके पीछे एक बड़ा प्रोजेक्ट है ग्रीन एनर्जी हाईवेज। फ्रेंड्स, 2030 तक भारत का टारगेट है अपनी 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से लेके आना। एंड इसके लिए देश भर में काफी सारे रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी जोन्स भी बन रहे हैं, जो कि राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका में है, जहां पर सोलर और विंड से पावर जनरेट कर
करके डायरेक्टली ट्रांसमिशन कॉरिडोर के थ्रू पूरी कंट्री में सप्लाई किया जाएगा। भारत का जो इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है अब सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं रहा, आज ये पूरे साउथ एशिया के लिए एक पावर ब्रिज बन चुका है। आज भारत अपने चार पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ पावर कनेक्शन रखता है एंड इन इंटरकनेक्शन के जरिए रियल टाइम बिजली में इंडिया का व्यापार होता है, यानी कि जहां पर ज्यादा जरूरत होती है वहां पे तुरंत सप्लाई पहुंचाई जा सकती है। भूटान के साथ तो इंडिया का सिंक्रोनस इंटरकनेक्शन है एंड बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के साथ एसिंक्रोनाइज पावर लिंक्स एक्टिव है। सिंक्रोनस का मतलब होता है दोनों कंट्रीज का एक ही ग्रिड और एक ही फ्रीक्वेंसी पर चलना, जैसे इंडिया और भूटान का। एंड एसिंक्रोनाइज का मतलब होता है ग्रिड अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हो, तब स्पेशल कन्वर्टर टेक्नोलॉजी से पावर एक्सचेंज किया जाता है, जैसे बांग्लादेश और नेपाल के साथ इंडिया करता है। इवन श्रीलंका के साथ तो इंडिया का अंडर सी इंटरकनेक्शन प्रपोजल चल रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत के तमिलनाडु के मदुरई रीजन से स्टार्ट होगा, जो समुद्र के नीचे 120 से 130 किलोमीटर तक अंडर सी केबल लिंक के थ्रू श्रीलंका के अनुराधापुर तक जाएगा। इस पूरे लिंक की टोटल लेंथ होगी लगभग 285 किलोमीटर, जिसमें एक बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे से गुजरेगा। इस लिंक की कैपेसिटी पहले फेज में 500 मेगावाट रखी गई है और फ्यूचर में इसे 1000 मेगावाट तक बढ़ाने का प्लान है। इस पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 1.2 बिलियन है, यानी कि 9,946 करोड़ के आसपास। अगर इसके स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स की बात करें तो ये प्रोजेक्ट श्रीलंका को डायरेक्टली इंडिया के पावर ग्रिड से कनेक्ट करेगा, जिससे उसकी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी और इमरजेंसी सिचुएशन में इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करना पॉसिबल होगा। साथ ही ये दोनों देशों के बीच एनर्जी ट्रेड के नए रास्ते खोलेगा, स्पेशली श्रीलंका को बढ़ते हुए विंड और सोलर एनर्जी सोर्स को इंडिया तक पहुंचाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एंड सबसे बड़ा फायदा तो इसमें देखिए ये होगा कि ये पूरे साउथ एशिया की एनर्जी नेटवर्क को एक स्टेप और आगे ले जाएगा एक रीजनल पावर ग्रिड की तरफ, जहां फ्यूचर में और भी नेबर्स कंट्री आसपास की जुड़ सकती है, जैसे थाईलैंड प्लस बिम्स्टेक नेशंस के बीच में एक रीजनल पावर पूल प्लान में है। अगले 10 सालों में भारत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड मिशन के थ्रू अफ्रीका तक पावर एक्सपोर्ट करने का प्लान बना रहा है। इस विजन का मतलब है ग्लोबल सोलर एनर्जी नेटवर्क, जहां सूरज की रोशनी एक देश से दूसरे देश तक बिजली बनकर चले। जब भारत ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट शुरू किया वो सिर्फ एक कमर्शियल डील नहीं था, वो एक सिंबल था भारत के रीजनल पावर बनने का। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में भारत ने बांग्लादेश को लगभग 1 बिलियन की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की, जिससे बांग्लादेश के टोटल पावर इंपोर्ट में इंडिया का शेयर 90% तक पहुंच गया। लेकिन यहां पे एक बड़ी प्रॉब्लम थी, सब कुछ स्मूथ नहीं रहा। बांग्लादेश ने पेमेंट्स में डिले किया, अडानी पावर को 800 से 900 बिलियन तक का पेमेंट अभी पेंडिंग है। ये इशू इतना बड़ा हो गया है कि अब दोनों देश के बीच में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन तक बात पहुंच गई है। अडानी पावर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ केस फाइल करने का फैसला लिया है। ये मूवमेंट साउथ एशिया के पावर ट्रेड रिलेशंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन अगर बड़ी तस्वीर देखें तो भारत ने ये सब करके दिखाया है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर नहीं है, बल्कि पूरे रीजन को पावर करने वाला एनर्जी हब बन चुका है। आज भारत का ग्रिड एक ऐसी एनर्जी बैकबोन बन गया है जो देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के डेवलपमेंट को रोशनी दे सकता है। अब जानते हैं इंडिया के फ्यूचर का न्यूक्लियर विजन। देखिए, जैसे इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रोज बढ़ रही है, वैसे ही फ्यूचर में न्यूक्लियर एनर्जी भी देश की पावर मिक्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकती है। अभी तक इंडिया में लगभग 8,800 मेगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी है, लेकिन गवर्नमेंट का प्लान है 2031-32 तक इसे लगभग 22,500 मेगावाट तक बढ़ाया जा सके। साथ ही लॉन्ग टर्म विजन में 2047 तक 100 गीगावाट तक न्यूक्लियर पावर जनरेट करने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए न्यू रिएक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर फोकस हो रहा है। ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन या प्लानिंग स्टेज में है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि फ्यूचर में न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के लिए क्लीन, रिलायबल और स्टेबल पावर का एक मेजर सोर्स बन सकती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मिलके देश के ग्रिड को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। लेकिन दोस्तों, आज अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप अब तक नेशनल ग्रिड सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। जियोग्राफिक और सी सेपरेशन की वजह से वहाँ पे स्टैंड अलोन पावर सिस्टम चल रहे हैं। इंडिया का हर इलेक्ट्रिफाइड आइलैंड अपना अलग जनरेशन और अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज करता है। जैसे अंडमान का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार अलग है, वहीं लक्षद्वीप का लक्षद्वीप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलग है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो और आप क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते थे, नहीं जानते थे, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।